क्या आपको भी ऐसा लगता है कि एक प्रीमियम क्वालिटी का HDMI केबल और जो आपको आपका मॉनिटर, टीवी या फिर गेमिंग बॉक्स में फ्री मिला है उसमें कुछ डिफरेंस है, या फिर ये सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट है अपनी चीज़ों को सेल करने की? अगर आप कहीं भी स्टोर में जाते हैं या फिर कहीं भी आप ऑनलाइन सर्च करते रहेंगे HDMI केबल के ऊपर, तो आपको बहुत सारे वेराइटीज़ के मिल जाएंगे, जैसे कि ये गोल्ड प्लेटेड है, इसमें और भी क्लियरिटी आएगी, इसमें आप 4K रेजोल्यूशन को रियल 4K में देख पाएंगे, और इसमें इथरनेट का भी प्रोविज़न दिया गया है। बेसिकली हम अगर हम बात करें तो हमें उतना आइडिया नहीं रहता कि हमें कौन सा इथरनेट केबल लेनी चाहिए और कौन सा इथरनेट केबल हमारा जो सेटअप है उसके लिए बेस्ट है। तो मैंने अमेजन बेसिक का जो कि प्रीमियम क्वालिटी का इथरनेट केबल है उसको ऑर्डर किया, और उसको मैं अभी अनबॉक्सिंग भी करूँगा और आपको बताऊँगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। तो हमारे पास है जो कि नॉर्मल HDMI केबल रहता है वो है, और उसके साथ साथ एक प्रीमियम क्वालिटी का जो कि अमेजन बेसिक का एक प्रीमियम क्वालिटी HDMI केबल है, और जिसका कि बॉक्स में प्राइस मेंशन है 995, बट ये आपको बिलो 600 और 550 में ये आपको इजीली अवेलेबल मिल जाती है। तो हम जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं और उसके साथ कंपेयर करेंगे कि हमारा जो नॉर्मल HDMI केबल रहता है, जो कि कोई भी आपका एक्सेसरीज, मॉनिटर, टीवी, PS4, PS3, गेम बॉक्स, कहीं पर भी जो आपको मिलता है उसके साथ इसका क्या क्या डिफरेंस रहती है, और आपको एक प्रीमियम क्वालिटी का HDMI केबल लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ऐसे तो हालांकि अमेजन बेसिक का जो रहता है पैकेजिंग काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। अगर आप कभी इंटरनेशनल साइट से ऑर्डर किए होंगे तो इस टाइप का ही पैकेजिंग मिलता है, आउटर में रहता है पेपर का और इंटरनली पॉलीथीन में अच्छे से कवर करके उसको रखे रहते हैं। तो ये है अमेजन बेसिक का एक प्रीमियम क्वालिटी का HDMI केबल। एक्चुअल के बात करें तो ये दिखने में काफ़ी प्रीमियम, रियल में प्रीमियम लग रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए एक प्लास्टिक का केबल दिया गया है, और ये जो है गोल्ड प्लेटेड है। हम जल्दी से इसको कंपेयर कर लेते हैं। ये जो हमें नॉर्मली मिलता है, जो कि आपका कोई भी मॉनिटर या फिर गेमिंग डिवाइस या फिर HDTV 4K TV में मिलता है, उसका ये जो है, ये देखिए इसमें पिन का थोड़ा सा फ़र्क है, ये गोल्ड प्लेटेड है और ये गोल्ड प्लेटेड नहीं है। मैं थोड़ा नज़दीक से दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। देखिए ये जो अमेजन बेसिक का जो प्रीमियम क्वालिटी है वो गोल्ड प्लेटेड है और ये गोल्ड प्लेटेड नहीं है। और केबल का इसमें इसका जो आपका मोटाई है वो थोड़ा ज़्यादा है, इसका थोड़ा सा हल्का सा कम है। थोड़ा लिखावट में भी पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या प्रिंट हुआ है। ये देखिए इसमें लिखा है हाई स्पीड HDMI केबल, शायद ये आप टेक्स्ट आप पढ़ पा रहे होंगे, हाई स्पीड HDMI केबल विथ इथरनेट, और इसमें और कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, सिर्फ अमेजन बेसिक हाई स्पीड HDMI केबल विथ इथरनेट। अगर जो हमारा नॉर्मल जो फ्री में मिला है हमें कोई मॉनिटर के साथ, उसमें लिखा है सिर्फ हाई स्पीड HDMI केबल विथ इथरनेट, और उसके साथ कुछ उसका नंबर्स और उसका कुछ डिग्री सेल्सियस ये सब दिया गया है, तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है। तो ये हो गया अमेजन बेसिक का एक अनबॉक्सिंग, और उसके साथ हम कंपेयर की जो हमें नॉर्मली मिलता है। अब आ जाते हैं कि आपको कौन सी लेनी चाहिए। अगर आपके पास ये आपका ओल्ड HDMI केबल है तो आपको न्यू परचेस करनी चाहिए कि नहीं। तो आ जाते हैं हम हमारे स्टूडियो पे और बात करते हैं कि आपको कौन सी लेनी चाहिए और कौन सी नहीं। तो अनबॉक्सिंग में आपने देखा कि एक गोल्ड प्लेटेड है, एक गोल्ड प्लेटेड नहीं है। नॉर्मली अगर मैं दोनों को कंपेयर करके देखूं तो दोनों का सेम क्वालिटी है। तो किस चीज, मतलब कौन से सिचुएशन में आपको एक दूसरा HDMI केबल लेनी चाहिए? देखिए जो HDMI केबल रहता है वो तो आइदर वर्क करता है या फिर नहीं करता। ये हाई स्पीड होगा, इसमें आप 4K चला सकते हो, 10K चला सकते हो, ये सब गलत बात है। ये जो है नॉर्मली हमारे पास जो आता है ये सब 2.0 है इसका वर्जन, और जो 2.1 आया है वो 10K तक सपोर्ट करता है, लेकिन हमारे पास 10K का अभी तक कोई भी पेरिफेरल्स आया नहीं है। मैक्सिमम हमारे जो मॉनिटर रहते हैं, टीवी रहते हैं या फिर गेमिंग कंसोल रहते हैं वो 4K तक सपोर्ट करते हैं, और 4K के लिए आपके पास जो प्रोवाइड किया गया है, कंपनी जो आपको प्रोवाइड किया है वो बेस्ट है। तो क्या आपको ऑनलाइन से परचेस नहीं करनी चाहिए या फिर ऑफलाइन में आपको कोई दूसरा HDMI केबल नहीं लेनी चाहिए? लेनी चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन रहना है कि अगर आपका पुराना HDMI केबल लगाते वक्त मान लीजिए नो सिग्नल दिखा रहा है या फिर फ्लिकरिंग हो रहा है उस केस में, या फिर आपका जो प्रीलोडेड जो HDMI केबल जो प्री प्रोवाइडेड दिया गया है अगर वो आपको शॉर्ट हो रहा है और आपको लॉन्ग लेना है, तो ये भी आपका एक इसका भी एक कंडीशन है कि आप जो HDMI केबल है वो आप मैक्सिमम 15 मीटर तक ही ले सकते हैं।
अगर 15 मीटर से अगर लॉन्ग करना है तो उसके लिए फिर फाइबर ऑप्टिक्स आता है या फिर एक तो सिग्नल बूस्टर बूस्ट रहता है। अब ये सभी को मालूम है कि कोई भी चीज़ अगर बहुत लॉन्ग वे अगर रन किया तो वो उसका जो क्वालिटी है वो थोड़ा कम हो जाता है। अभी ये तो डिजिटल सिग्नल है, अगर एनालॉग सिग्नल रहता तो फिर ये तो 1 or 2 feet में भी ये डाउन हो जाता, लेकिन क्योंकि ये डिजिटल सिग्नल है ये इजीली 10 से 15 मीटर तक जा सकती है। और लेकिन अगर उससे भी अगर आपको लॉन्ग चाहिए तो फिर आप सिग्नल बूस्टर भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जिसको 50 मीटर और 100 मीटर तक भी लॉन्ग करना रहता है उन लोग सिग्नल बूस्टर लेके उसको आगे आगे चलते हैं। अभी जैसे देखिए ये एक है जो नॉर्मली आपको प्रोवाइड किया जाता है वो सिर्फ 1 से 1.5 meter ही रहते हैं, लेकिन जो मैं ऑनलाइन से ऑर्डर किया हूँ वो 3 meter का है, क्योंकि मुझे मेरा CPU से लेके मॉनिटर तक थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस चाहिए था तो इसलिए मैं 3 meter का ऑर्डर किया हूँ। ये आप देख सकते हैं, बस इसी कुछ केस में ही आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, वरना आपके पास जो HDMI केबल है वो बेस्ट है, आप उसके ऊपर 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये गोल्ड प्लेटेड या फिर उनका फैंसी डिज़ाइन देख के बिल्कुल मत बहकना, क्योंकि ये सब एक ही है, कोई मतलब नहीं है आपको उसका कितना अच्छा डिज़ाइन कर रहा है, कोई यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी कर रहा है, ऐसे कोई मतलब नहीं है, कोई गोल्ड प्लेटेड दे रहा है नहीं दे रहा है, क्योंकि काम सब एक ही करेंगे, इनमें ज़्यादा कुछ कोडिंग नहीं रहता, सिर्फ 10 पे ये काम करता है, 1001 ऐसे भी ये कोडिंग में ही काम करता है, आइदर ये काम करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो आपके पास जो केबल ऑलरेडी है वो अच्छे से वो सबसे बेस्ट है, अगर वो काम नहीं कर रहा है तभी आप दूसरा ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आपको अगर लॉन्ग चाहिए आप या फिर शॉर्ट चाहिए उस हिसाब से मेजरमेंट के हिसाब से आप दूसरा ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको HDMI केबल के बारे में समझ आ गई होगी, अगर फिर भी मन में कुछ डाउट है तो आप हमें नीचे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह आगे और भी वीडियो लाते रहेंगे।